जेई मेंस और नीट का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कि साउंड वेव वाले चैप्टर से आता है, दैट इज द बीट फ्रीक्वेंसी। यानी एक ट्यूनिंग फॉर्क पर लोड किया हुआ है वैक्सिंग का, तो बताइए उसकी ट्यूनिंग फॉर्क क्या होगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसे क्वेश्चन को देखते ही आप सॉल्व कर लोगे। शी लुक्स बोल्ड डेयरिंग सक्सेसफुल गर्ल, सर ये क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। यहां पर सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क इज लोडेड, एल का मतलब बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, डी का मतलब देन द ग्रेटर फ्रीक्वेंसी विल बी ऑफ सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क। मतलब अगर ये स्टेटमेंट आपको दिख जाए तो आपके अपने ऑप्शन में से जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वही लेकर के आना है। जरा क्वेश्चन के अंदर आइए, यहां लिखा ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज, यानी 250 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। फिर उसके बाद में हमारा ये जो है सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क लोडेड बीट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, तो जरा देखिए सेकंड फॉर्क इज लोडेड विद वैक्स, नंबर ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड फॉर्क। चार ऑप्शन दिए हैं, अब बताइए क्या आंसर होगा। यहां क्या लिखा है, ग्रेटर है ना, सक्सेसफुल गर्ल, यानी कि सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क का ग्रेटर फ्रीक्वेंसी होगा। तो इन सब में से 250 से ज्यादा कौन सा है, यही है, दैट्स इट, ये आपका आंसर है। और बच्चा आपका ये डाउट हो सकता है कि सर अगर ये अपोजिट होता तो, मतलब अगर ये रिवर्स होता तो आपका आंसर जो कम फ्रीक्वेंसी है वो हो जाता। मजा आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लें।